नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबकी नज़र में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं समाचार की ओर। नमस्कार, सबकी नज़र समाचार के साथ मैं दिलीप उपाध्याय। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में चोर सक्रिय हो रहे हैं तो स्थानीय पुलिस मस्त दिखाई दे रही है। इसकी वानगी जब देखने को मिली थाना राया के ठीक सामने डाकघर, विद्युत कार्यालय और कपड़े की दुकान में अज्ञात चोरों ने रात में सेंध लगा दी। बीते 2 माह पूर्व चोरों ने डाकघर में चोरी की थी और इसके अलावा कई दुकानों से लाखों के सामान लेकर पार हो गए, लेकिन पुलिस उन घटनाओं का अनावरण भी नहीं कर पाई तो फिर से डाकघर और कपड़े की दुकान में चोरी कर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। कस्बा राया में डाकघर का सामान बिखरा पड़ा मिला, जरूरी कागजात, ड्राफ्ट आदि सामान बिखरे हुए थे। वहीं कपड़े की दुकान से लाखों रुपए का माल अज्ञात चोर पार कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुटी। कपड़ा व्यापारी वीरू का कहना है कि पहले भी चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की, लेकिन पुलिस उसका भी अभी तक खुलासा नहीं कर सकी। आगे देखें मथुरा से जयशंकर शाश्वत की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? वीरू नाम है, मॉडल लेडी सूट मेरी अब से 2.5 महीने पहले चोरी हुई थी। कोतवाल साहब ने मुझे आश्वासन देते रहे कि आप घबराइए मत, चिंता मत करिए, मैं आपकी चोरी को खोल कर रहूँगा। मैंने साहब 50 ढोक दिए थाने के, मेरी कोई सुनवाई नहीं की। अब क्या हुआ आपके यहाँ? अब ये हुआ रात, फिर दोबारा मैंने कैसे तैसे काम डाला ये, और रात फिर मेरी दीवार काट के चोरी हो चुकी, सारा दुकान पूरी खाली कर ले गए। पहले ही छोड़ा मुझे, रोड पर डाल दिया। पहले जो चोरी हुई थी उसका कोई खुलासा हुआ है अभी तक? कोई खुलासा नहीं किया साहब, कोई खुलासा नहीं किया। पहला कितने रुपए का नुकसान है आपका? करीबन मान के चलो फिलहाल 2.5 लाख रुपए का माल है अभी मैंने डाला ही है बस अभी। पहले 4,65,000 का था। इन्होंने मुझसे बिल वगैरह भी मांगे थे प्रेजेंट के, मैंने सारे बिल दिए इनको प्रेजेंट के, तब मेरी FIR की थी इन्होंने। उससे पहले मेरी कोई FIR नहीं की थी, मुझसे बोले कि आप बिल ला के दे सकते हो 4,65,000 के, मतलब 5 लाख रुपए के, 4,65,000 के मुझे मौजूदगी में। और तब यानी मेरी FIR ली थी इन्होंने। अब कोई कार्रवाई की है? अब कोई कार्रवाई नहीं की है। कोतवाल साहब बोले अभी हमसे कि साहब कोई चिंता मत करो, मैं 4-6 दिन में आपका माल भी बरामद करूंगा और मैं आपकी चोरों को चोरी खोल करूंगा, मैं पहली भी और अब की भी। अभी कोतवाल साहब ने मुझसे फिर कहा दोबारा से कि आप कोई घबराइए मत, चिंता मत करिए, मैं आपकी चोरी को खोल करूंगा और खोल कर क्या रूंगा, माल भी बरामद करके रूंगा।